मारुति सुजुकी ने रिसेंटली अपने XL6 CNG को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 12.24 लाख। वहीं पे अगर हम अर्टिगा CNG के ZXI CNG वेरिएंट की प्राइस की बात करेंगे तो उसकी एक शोरूम प्राइस है 11.60 लाख। यानी कि इन दोनों गाड़ियों में हमें 64,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप भी एक MPV CNG में लेना चाहते हो और आपको अर्टिगा और XL6 इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूजन हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने इन दोनों गाड़ियों को डिटेल में कंपेयर किया है और वीडियो के लास्ट में ये बताया है कि क्यों आपको XL6 CNG लेनी चाहिए अर्टिगा CNG को रिजेक्ट करके, क्योंकि XL6 CNG सिर्फ 64,000 महंगी है अर्टिगा CNG से। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में हमें कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। LED टेल लाइट्स, ऑटो फोल्डेबल एंड इंटरनली एडजस्टेबल ORVM विथ टर्न सिग्नल, रियर वाइपर वॉशर, क्रोम डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्ड ORVM, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये कुछ फीचर्स हमें XL6 CNG और अर्टिगा CNG इन दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। पर XL6 CNG में LED हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है, वहीं पे अर्टिगा CNG में हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है। XL6 CNG में LED फॉग लाइट्स मिलते हैं, वहीं पे अर्टिगा CNG में हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। XL6 CNG में 16 इंचेस के बड़े मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं पे अर्टिगा CNG में 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में हमें कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फैब्रिक सीट्स, XL6 CNG में ब्लैक कलर की सीट्स मिलती है, वहीं पे अर्टिगा CNG में व्हाइट कलर की सीट्स मिलती है। थर्ड रो 50-50 स्प्लिट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो AC, सेकंड रो रूफ माउंटेड AC, एयर कूल्ड कप होल्डर्स, रियर डिफॉगर, स्मार्ट की, 12V पावर आउटलेट तीनों ही रो में, ऑटो विंडो अप विथ एंटी पिंच ओनली फॉर ड्राइवर साइड, मैनुअल ORVM, बॉटल होल्डर्स इन ईच रो, 7-inch इंफोटेनमेंट स्क्रीन विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, 4 स्पीकर्स विथ 2 ट्विटर्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और सुजुकी कनेक्ट, ये सारे फीचर्स हमें इन दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। पर XL6 CNG में हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, वहीं पे अर्टिगा CNG में सिर्फ टिल्ट स्टेयरिंग व्हील मिलता है। XL6 CNG में डोर लैम्प, फुटवेल इल्यूमिनेशन, कैप्टन सीट्स, ऑटो अप डाउन, ड्राइवर साइड विंडो विथ एंटी पिंच, ये कुछ फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं जो कि अर्टिगा CNG में नहीं मिलते। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स की। रिवर्स पार्किंग सेंसर, ABS विथ EBD एंड ब्रेक असिस्ट, ESP, हील होल्ड, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, ये कुछ सेफ्टी फीचर्स इन दोनों ही गाड़ियों में हमें कॉमन मिल जाते हैं। पर XL6 CNG में 4 एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं पे अर्टिगा CNG में सिर्फ 2 एयरबैग्स ही मिल पाते हैं। और बात करेंगे डायमेंशंस की, तो चाहे लेंथ हो, विड्थ हो या फिर हाइट हो, तो इन तीनों ही कंडीशंस में XL6 CNG जो है अर्टिगा CNG से थोड़ी बड़ी है डायमेंशंस में, पर व्हील बेस अर्टिगा CNG और XL6 CNG दोनों का ही एकदम सेम है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज। तो दोनों गाड़ियों में हमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पेट्रोल ओनली मोड में 74 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, पर वहीं पे CNG मोड में 64.6 bhp की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन दोनों गाड़ियों का इंजन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में एक ही इंजन यूज किया गया है। पर जब बात आती है माइलेज की, तो कंपनी यहाँ पर XL6 में 26.32 किलोमीटर पर kg की माइलेज क्लेम करती है, वहीं पे अर्टिगा CNG में 26.11 किलोमीटर पर kg की माइलेज कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है। पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ डायमेंशंस वाइज थोड़ी सेम ही है, तो इतना कुछ डिफरेंस उनमें नहीं आएगा, तो दोनों ही गाड़ियों से हमें सिमिलर ही माइलेज देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं उन 4 रीजंस की जिसके कारण आपको अर्टिगा CNG को रिजेक्ट करके XL6 CNG खरीदनी चाहिए। तो रीजन नंबर 1 है डायमेंशंस। XL6 CNG के डायमेंशंस अर्टिगा CNG के डायमेंशंस से थोड़े ज्यादा है, जिसके कारण इसमें आपको कैबिन में ज्यादा स्पेस मिलेगी और ज्यादा कंफर्टेबली आप इसमें बैठ पाओगे। रीजन नंबर 2 है XL6 CNG काफी प्रीमियम लुक्स के साथ आती है कंपेयर टू अर्टिगा CNG, और ये एक नेक्सा की गाड़ी है, तो आपको इसकी
सर्विस भी काफी प्रीमियम मिलेगी कंपेयर टू अरेना की सर्विस से। बात करते हैं तीसरे रीजन की, तो इसमें हमें थोड़े ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं अर्टिगा सीएनजी से, जैसे कि एलईडी हेडलाइट, फॉग लाइट मिल जाते हैं, 16 इंचेस के बड़े टायर्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमें एक्सएल 6 सीएनजी में मिलते हैं कंपेयर टू अर्टिगा सीएनजी। और बात करेंगे लास्ट रीजन की, तो एक्सएल 6 सीएनजी में हमें 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, वहीं पे अर्टिगा सीएनजी में सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिल पाते हैं। तो सेफ्टी वाइज भी एक्सएल 6 सीएनजी अर्टिगा सीएनजी से थोड़ी अच्छी है। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ 64,000 ज्यादा देने पे मिलेंगी एक्सएल 6 सीएनजी में। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अर्टिगा सीएनजी का ZXi वेरिएंट ले रहे हो तो आपको 64,000 और ऐड करके एक्सएल 6 सीएनजी ही बाय करनी चाहिए, क्योंकि यही एक परफेक्ट डिसीजन होगा। तो यही था आज के इस कंपैरिजन वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए। वीडियो